और मज़े की बात मुझे ये लगती है कि वो इतनी खूबसूरती से उस किरदार को करी होती है कि एक मिनट के लिए भी स्लिप नहीं होता एक सेकंड के लिए भी इतना वो उस किरदार में खो चुकी होती हैं मोहम्मद अहमद साहब के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा उनके हाथ में दिया और कैमरे के सामने धकेल दिया कि जाओ और तुम ये करो तो आज मेरी मेहमान हैं गले राना जी असल गले राना वालेक बिल्कुल ठीक पहले तो ये बात गलत है मैं मेज़बान हूँ तुम मेहमान क्यों हाँ मेरे ये बिल्कुल सही और आई एम वेरी ऑनर्ड कि आज मैं उनके हाँ। <laughs> तो घर में उनके साथ गुफ्तु करने वाली हूँ अब कैसा था ये बहुत ऐसे ईमानदारी की बात है पता क्या बात है हम लोग इतने दोगले हो गए सच्ची बात यह है कि हर शख्स को प्रेजिंग अच्छी लगती है मैं मान ही नहीं सकती अगर कोई कहे कि तो, जी आ, एक एक खातून हमारे चलो अब बात से बात निकलती है एक खातून आई हुई थी मेरे पास तो मैंने उनको कहा करीबी रहती थी मैंने कहा बड़ी अच्छी लग रही हैं आप कह लगी नहीं कहाँ हाँ आप तो बस यूँ है अच्छा मैं चुप हो गई मैंने कहा कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं अरे बड़ा पुराना है फलाना अरे मैं फिर भी आखिर मैंने चांस लिया मैंने कहा आज आप बाल बहुत अच्छे लग रहे अरे अब तो कुछ नहीं रहा मैंने कहा भाड़ में जाएँ आप जहन्नुम में जाए हद हो गई मैं तारीफ करते करते थक गई मान ले गई <laughs> हाँ, मैंने मैं कहा बहुत ही जहर लग रही हैं आप कहने की नहीं नहीं मेरे तो बड़े अच्छे मैंने कहा तो पहले मान लेती हूँ <laughs> अक्सर ये भी होता है ना कि वो लोग वो और तारीफ हाँ, और तारीफ हो, और तारीफ ये भी होता है हाँ लेकिन ये बात ठीक है

मैं नहीं बता रही हूँ मैं जो अपने को एक्ट्रेस को देखती हूँ कभी बैठे टेलीविजन देख रहे हो तो मुझे किसी का काम अच्छा लगता है अगर मेरे पास उसका फोन नंबर नहीं भी हो तो मैं कॉल करके उसका नंबर लेके उसको अप्रिशिएट करती हूँ so nice. नहीं इसलिए कि आप हम लोगों का मसला ये हो गया है कि हमारे मसाइल ज्यादा हो गए yeah. और हमारे फजाइल कम हो गए कि हम किसी की बुराई होगी किसी का कोई ड्रॉबैक होगा उसको तो हम लस्सी की तरह हाई करके उसको लस्सी बना देंगे

Oh. और हाँ है ना कराची नहीं में नहीं वो राना लियात अली जो है ना oh. उनका नाम गुले राना था oh. है उनका okay. जो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियात अली उनकी बेगम का नाम गुले राना ही था उनके नाम पे वो क्लब है उसके अलावा मैंने एक हमारे और जयामद्दीन साहब उनकी साली का नाम गुले है क्या मतलब है अच्छा अच्छी मतलब बात किस है का क्या क्या नाम है? हाँ तो <laughs> म, अ, अपने नाम से तो होता है ना कि और किसका नाम कभी तो सुना ही नहीं तो जिसका सुना वो याद रह गया <laughs> बिल्कुल अब, अब अगर मेरा समीना नाम होता मुझे तो पता ही ना होता डेढ़ करोड़ समीना जैसे डेढ़ करोड़ दो करोड़ बिल्कुल मेरी अम्मी भी राबिया है अच्छा ये बताइए फर्नीचर आपने चेंज कर लिया अभी तक अब्बा का ही है फर्नीचर अरे अल्लाह तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कहा से है बस देख ले नहीं जी वही है वही हाँ जी बिल्कुल फेवरेट पीस कौन सा है और उसके पीछे कोई कहानी सुना दे आ... ये सोफे ये ग्रे वाले जब आपको ग्रे में नजर आ रहे हैं ये आ, 1990 के हैं और ये कार्विंग वाले सोफे थे तो आसिम जब पैदा हुआ तो मुझे लगा कि छोटा था सर ना लग जाए कुछ ना हो जाए तो मैं इस पे फोम चढ़वा के इस पर मैंने इस पर करवा दिया और अब हर साल जो है बस मैं मेरा दिल वो होता है लोग कहते हैं कि ये अरे फिर वही मैं आ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं वो हिम्मत कहाँ से लाऊं कि मैं इसको चेंज करके और कोई नया सी चीज़ ला के रख दूँ हाँ आसिम के कमरे में कर लेती हूँ वो ख्वाहिश पूरी लेकिन ये नहीं मुझे समझ आता कि कोई मुझे ये कहे और अव्वल तो मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में एक जुमला बहुत कार आमद है हु केयर्स मेरे सोफे है ना किसी ने आना अगर मेरे सोफों से मिलने आना है तो भाई थैंक यू वेरी आप गेट के बाहर ही नहीं, 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 नहीं वो सोफा भी नहीं लाने दूंगी ना, 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 ना। तो जिसने मुझे।, मिलना है, वो मिले। मुझे तो बड़े अगर अगर पर्दों तो से और सोफों से मैं ये नहीं कहती शौक से इंसान करता है लेकिन हर एक की अपनी विश होती है ना किसी किसी के साथ होती है किसी के साथ नहीं होती मेरी बड़ी अप्रियेशन है मैंने इसको हाथ नहीं लगाने दे सकती किसी बहुत अच्छी बात है अच्छा आ, ये देखो मुझे लोग पूछते हैं ये क्या चीज़ें पहनी हुई आपने इसमें तो ना सोना है ना हीरा है मैंने कहा आपको क्या पता ये, ये मेरे वाल साहब का जब डेथ बेड से उनका क्योंकि ये 1992 में मैंने उनको पहनाया था ये वाला छल बुक ऑफरेशन का तो फिर ये मैंने आसिम को दिया मैंने कहा तो वो देखा मैंने कभी किसी पड़ा हुआ है कभी कहीं तो मैंने उठा लिया और इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के अपने घुटे क्योंकि कहीं फिट नहीं आ रहा था अभी तो मैं क्या सबको बताती थी मुझे करूं? और बताएँ और मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, है ना तो तो कहानियाँ बहुत अच्छी <laughs> लगती है क्योंकि मुझे लगता है इसी में तो है जो वो चीज़ हम खोते जा रहे हैं आगे बढ़ने के साथ नहीं, साथ तो खोना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ना? चाहिए जैसे एक हम फोरम पे बात कर रहे थे बात से बात निकलती है तो बात हो रही थी कि तालीम पे था वो फोरम जो था तो उसमें आई डोंट वांट टू नेम देम कि कौन कौन बैठा हुआ था लेकिन काफ़ी ख़वान और हजरात थे जो बड़े बड़े उहदों पे फाइज हैं बैठे हुए थे और सब जो है वो आ, मैं ज़रा लेट पहुंची जैसे मैं यहाँ लेट आई तो मैं मेरा वक्त जो है सबसे आखिर में आया तो बीस लोगों से घूम के जब आया तो वो तालीम 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 जब मेरे पास आया इट इज़ नॉट दैट कि मैं को बहुत बड़ी बात की लेकिन मैंने कहा हम हमें याद है कि हमारे ज़माने में जब हम छोटे होते थे एक रिसाला हुआ करता था जिसका नाम ही होता था तालीमो तरबियत तो तो वो तरबियत कहीं चली गई चली गई कहीं ग़ायब हो गई वो हमारा हमारा बड़ा हमें बड़ा अफसोस है और मैं समझती हूँ कि इसमें जित जो भी वालदेन हैं वो बड़े हैं उनका कसूर है बच्चों का कसूर नहीं है क्योंकि बड़े ही अपने छोटों को समझाते हैं तो वो तालीम के पीछे हम ऐसा डंडा लेके भागे हैं कि अब तो समझ ही नहीं आती कोई पीएचडी हो कोई डबल एम हो पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं पहले ज़माने के मैं समझती हूँ कि लोग कहते हैं जी हम बहुत आगे की तरफ रवा दवाएं हम बिल्कुल आगे की तरफ रमा दवा नहीं है वे आर गोइंग डाउन द ड्रेन्स ये बहुत अफसोस वाली बात है तो पहले ज़माने का आप देख लें कोई एक मैट्रिक भी होता था तो वो आजकल के मेरा ख्याल है कुछ चार दफ़ा पी एच डी कर ले तो उससे आगे था नहीं। नहीं। तो तरबियत कहीं चली गई है दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड दैट इज़ वेरी सैड वेरी वेरी सैड सही कह रही हैं आप। आपने एक जगह कहा जिंदगी में बड़ी सख्तियाँ देखी हैं हाँ तो हर शख्स ही देखता है जिसने सख्तियाँ नहीं देखी उसे नरमी का क्या पता चलेगा क्या आपने बोला जिंदगी बड़ी सख्त गुजरी है तो बस मैं मुझे वो बड़ी क्यूरसिटी हो रही थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे यू नो स्ट्रॉग और वो जिसको चैलेंज से डर नहीं लगता वो लगती हैं तो किस किस्म की सख्तियाँ देखी क्या क्या आप डिफ़ाइन करती हैं सख्ती अगर देखो जिंदगी में हर एक के लिए आ, उसकी सख्ती और नरमी हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है किसी को कोई चीज़ मैं उन मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी की मुश्किल को ये नहीं कहते कि अरे ये क्या मुश्किल ओके okay. हो सकता है किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल हो, हो सकता है किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल हो okay. तो अगर मैं अपनी सख्तियाँ डिफ़ाइन करूँगी तो हो सकता है किसी को ना लगे वो कहे कि ये क्या बात है तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं सख्तियों से मुराद इस मुशरे में अगर आपके पास मैं समझती हूँ इट इज़ नॉट दैट के मैं इस चीज़ को स्टैम्प कर रही हूँ लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है आपके पास पैसा ना होना और होना ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा मुश्किल कम हो जाती हैं हल तो चलें ठीक है कम हो जाती हैं अगर ये अल्लाह की नेमत आपके पास हो तो नेमत है बिल्कुल। क्योंकि ये हाँ उस नेमत को नावज़ुबिल्ल खुदा नहीं समझ लेना चाहिए लेकिन अगर आपकी आँख आप देखें आपकी आँख खुलती है तो डबल रोटी भी पैसे की आएगी अंडा भी पैसे का आएगा जिसके पास नहीं होगा ना वो डबल रोटी ले सकता है ना अंडा ले सकता है तो मुझे जो लगा सारी जिंदगी में और बहुत सी चीज़ तो इससे रिले इससे ये एक जैसे एक ट्रेन की पटरी होती है ये मुझे एक वो चीज़ लगती है कि अगर ये हो, हो आपके पास तो आपकी बहुत सी मुश्किल काबू में आ जाती हैं बाकी चीज़ें इतनी फील नहीं बाकी चीज़ें इतनी फील नहीं नहीं लगती क्योंकि आ जाता है लेवल थोड़ा सा हो जाता है अगर यही मुश्किल खाली जेब पे आए तो सही कह रही हैं वो दस गुना ज्यादा वो दस गुना सौ गुना ज्यादा लगता है ठीक है तो ये जरा सा एक्सपीरियंस हुआ और उसी एक्सपीरियंस ने फिर काम करवाया कि अब पैसा कोई मनोसलबा तो नहीं है कि जो आसमान से बरसने लगेगा तो फिर उसी ने काम करवाया और फिर जाहिर फिर काम करते करते प्रोडक्शन में कैसे आई आप ऐसे ही आई बिल्कुल इस कौन सी नहीं, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता वो कहते जी माय पैशन अरे पैशन के पीछे आपको चेक ना मिले ना मैं देखती हूँ कहाँ का पैशन तो passion, आप एंजॉय करती थी प्रोडक्शन के काम को आ, उस वक्त जिस वक्त शुरू किया था उस तो एंजॉय क्या करती थी बस उस वक्त एक धुन थी कि काम करना है और आसिम को पालना है तो ना भी एंजॉय करती तो करना तो था तो लेकिन जब चीजें जरा से कंफर्ट लेवल में आई तो फिर समझ आई कि इसको आप आ, कोई भी काम हमारे अब्बा कहा करते थे कि अम्मी ने कहना कह रहे थक गई बहुत अब्बा कहते थे नहीं अगर आ, कोई भी काम आप खुशी से करें और तो उसमें कभी थकन नहीं होती चिड़के और उससे करें कि क्या मुसीबत है मैंने है। देखा है लोगों को है। और ये अल्लाह की नेमतों में से आप आप उसको वो कर रहे हैं ठुकरा रहे हैं है। और अल्लाह की नेमतों को ठुकराना नहीं चाहिए खुशी से कबूल करना चाहिए कुछ तो हम वैसे अच्छा ना हो काम तो रोते हैं आ जाए तो भी रोते हैं तो फिर हंसेंगे कब <laughs> तो ये है तो अब्बा ये सिखा गए कि काम को कभी भी जो है वो बोझ ना समझा जाए वो आपका पैशन हो ना हो इवन आप ख़वान अगर खाना पका रही रोटी पका रही सालन पका रही, तो एक मुसीबत माफ़ करना मैं खातून हूँ लेकिन मुझे ख़वातान की बहुत सी आदत से बहुत सख्त चढ़े वो घर के ही काम को अजाब बना लेती पता चला वो घर पे आया तो वो सर भी बंधा हुआ है और अजीब सॉरी मुझसे ये सवाल ना करो अच्छा। सारी खुतिन मेरे खिलाफ हो जाएंगी नहीं मेरा पूछने का मकसद ये था अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि काम जो भी कर रहे हो शौक से करो बट अगर उस काम में दिल नहीं लग रहा आपका तो फिर क्या करें तो फिर उस काम के करते हुए कोई और काम ढूंढो काम इसलिए पूछी थी क्या आपको शौक हुआ मतलब बाई चांस फिर उसको, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बाई आप तो कपड़ों का काम करती थी हाँ. फिर एक एड पे आपको उन्होंने बोला तुम्हें मेरी सारी बातें पता तुम इंटरव्यू करने क्यों आई मैं और मैं और बहुत सी बातें आज तक मुझे बताओ ना तुम मुझे याद कराओ कि मेरे में तो क्या क्या है नहीं, मैं मैं चुकी। हूं। हूं। मैं कभी अगर जैसे बाहर जाती हूँ अगर दो चार दिन का गैप हो काम का तो ऑनेस्टली मजाक नहीं करे मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं करती हूं और अगर गाड़ी के पास आता एक, एक ले लो है मैं तो ये सेल्फी क्यों खींचना चाह रहा है मेरे साथ तो याद आता है मैं तो सुना ये बड़ा मजा आता है कोई कहता है बहुत पसंद है हमें आपका नाम किया कैसे करती क्या कहती हैं आप? फिर? नहीं देखो उनका कसूर नहीं, नहीं है मुझे जुमा अगर एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे तो जुमा जुमा आठ दिन हुए एक्टिंग करते हुए जो हमारे पायनियर्स हैं जो पीटी जिन्होंने हमारा टेलीविजन बनाया अब उनके नाम हमें जबानी याद है ना अब, अब हमारा नाम अगर किसी को जबानी नहीं याद तो इसलिए कि अब तो पहले तो होते ही दस एक्टर थे अब हजारों की तादाद में वो बेचारे किस किस का नाम याद रखें अब yeah. वो पसंद तो करते हैं लेकिन नाम अगर तो मुझे कभी भी इसमें वो नहीं होता कि कैसे नाम याद yeah. होगा yeah. एक yeah. या आ जाते हैं कि ये हमारे बच्चे को महकर इसको तो खाक नहीं पता ये तो आपको नहीं जानता तो मुझे yeah. कहाँ से जाने का मैं क्या सीधा सीधा आप तस्वीर खिंचवा लें बच्चे को ढाल बना के ना थोड़ा सा और इस मोहब्बत को मैं नहीं समझती आप ये कहें हमारा प्राइवेट टाइम है क्या बात कर रहे हैं आप फिर क्यों आते हैं टेलीविजन पे क्यों हर घर में आप घुसे हुए होते हैं हम हर घर में होते हैं बिल्कुल तो वो नहीं बुरा हर कमरे में भी होते हैं तो वो नहीं हमें बुरा लगता अगर आपको रास्ते से चरा चलते हुए या खाना खाते हुए कोई रोक लेता है तो फिर तो आप हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं है। बहुत की बात होती है तो बहुत इज्जत कल को मैं पूछूँ उस आर्टिस्ट से जब आप बाहर जाए और कोई आपको ना पूछे तो पहचानते जी दुख होगा हाँ जी।, जी 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 तो शुक्र करें कि आपसे लोग मोहब्बत करते हैं आपको पहचानते हैं पहचानना और मोहब्बत करने में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क अगर आपको मोहब्बत देते हैं तो प्लीज उनसे वो मोहब्बत ले लिया करें उनको वही मोहब्बत वापस किया करें बहुत ही खूबसूरत बात की आपने आप प्रोडक्शन में भी हैं मे भी थी हाँ. और आपने फिर एक्टिंग भी की तो आपको क्या लगता है कि बिकॉज आपका एक्सपीरियंस प्रोडक्शन में था कोई एडवांटेज आपको है कम्पेयर टू अदर एक्टर्स बहुत क्या इसलिए कि हमें प्रोड्यूसर के दुखों का अंदाज़ा है okay. कि वो आप आ, उनको तंग ना करें ठीक है जितने सीन्स हैं जो टाइम है वो पूरा करें ठीक है फ़ूल की उनसे आप फरमाइशें ना करें ठीक है और क्योंकि प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ होता है आप उनके पैसे को बर्बाद ना करें ठीक है क्राफ्ट में कोई आपको लगता है बिकॉज uh, आपने उस साइड से भी चीज़ें देखी नहीं है तो इन जब परफॉर्मेंस होती है या एक्टिंग करी होती है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है आपको लगता है मसलन

प्री पार्टीशन पॉलिटिशियन थी और उनके दो बेटे अब पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं तो उनका रख रखाव कुछ और होगा तो अगर उस वक्त डायरेक्टर या ए जो है आपका साइन करने के लिए आपको दस रुपए का पेन पकड़ा रहा है तो दैट इज रॉन्ग okay. मैंने उनसे कहा मैंने कहा इसका तो पेन ही अब्बल तो वो खुद नहीं पकड़ेगी उसके दस नौकर खड़े हुए होंगे अगर आप जो दिखा रहे हैं तो फिर उसके दस कम से कम दो तो लोग खड़े हुए होंगे सेक्रेटरी खड़ा हुआ होगा आपको फाइल देगा पेन देगा फिर वापस लेगा तो ये सारा प्रोटोकॉल तो होगा तो आप इतनी बारीकियों से देख रही होती तो जाहिर सी बात है भी हो हो ना ये ट्रेन हो गए और इससे मेरा ख्याल प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है या आपकी अवेयरनेस का ताल्लुक है सही कह कहेंगे लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ना जो बिकॉज आप उस प्रोडक्शन अवेयरनेस और उस प्रोसेस से गुजर के आपका जहन उस तरीके से सोचना भी शुरू कर देता है नहीं एक गरीब है ठीक है जिस जिस चीज़ों का मैं मैं अब ज़्यादा एक्टिंग पे इसलिए नहीं बात करती क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ जब मैं Uh, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं अपने आप को कभी भी uh, अच्छा बुरा एक्टर नहीं कहती ठीक है एक्टिंग कर रहे हैं काफ़ी आई एम अ वेरी गुड व्यूअर एक व्यूअर अच्छा होना बहुत बड़ी बात होती है कि आप mm. देख के बता सकें कि भाई क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ बुरी mm. तो वो हमें समझ आती है तो जब वो समझ आती है तो फिर जब हम खुद करते हैं तो उसमें वो ना हो तो फिर तो बहुत तो बुरी बात है तो मेरा ख्याल है अगर जैसे आजकल माफ़ कीजिएगा जैसे कोई गरीब दिखाते हैं अब कैसे हो सकता है कि इतनी ग़र्बत है कि रबत पे लड़ाई हो रही है और आपके बाल ऐसे डाई हुए हुए हैं और ऐसे आपने जो है वो स्ट्रेट किए में स्ट्रेटनर से और ऐसे कर्ल्स किए में दैट इज़ टोटली रॉन्ग अब मुझे नहीं मालूम डायरेक्टर्स मना नहीं करते एक्टर्स नहीं मानते या क्या है अब उसमें देखिए इसमें से कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो लोग पसंद करते हैं ये पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में बैठ गई ये बात कि बस जी खूबसूरत आना चाहिए कैरेक्टर होना चाहिए पे, ना कि अपने है, आपका हाँ उस पर अपने, अपने देखें के इसको कैसा होना चाहिए तलत साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है एक जुमला उनका तलत हुसैन साहब का किसी ए ने कहा कि सर जूते आपके जो है वो तो उन्होंने कहा भाई ये कॉन्टीन्यूटी के हैं कि शार्प कॉन्टीन्यूटी अभी तक किसी को यही नहीं पता कि कॉन्टनी और शार्प कॉन्टीटी में जमीन आसमान का फ़र्क तो उसने कहा जी कॉन्टीन्यूटी तो उसने कहा जाने दो रहने दो नहीं, नहीं सर बदल बदलने नहीं सर बदल बदलने वो शायद पता नहीं नहीं थे उस वक्त उनके पास तो उन्होंने रोक के एक बात की उन्होंने कहा कि लाना था फिर मेरी एक्टिंग पे कि अगर कोई मेरे एक्टिंग छोड़ के जूते देख रहा होगा तो क्या फर्क है शार्प कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी शार्प कंटिन्यूटी ये है कि आप एक दरवाज़ा क्रॉस किया आपने दैट इज़ शार्प कॉन्टीन्यूटी अंदर और बाहर एक ही जूता अंदर जूता और बाहर एक ही जूता और कॉन्टीन्यूटी ये है कि आप यहाँ से निकले और किसी के घर गए जाके तो हो सकता है रास्ते में जूती टूट गई हो कुछ <laughs> हो गया बदल लिया हो उसने कहा ये दुपट्टा जैसे अभी मैं कह रही थी कि नहीं ये नहीं मैं ये पहनूंगी तो दैट इज़ कॉन्टीन्यूटी एंड शार्प कॉन्टीन्यूटी पता चला आप सीढ़ियाँ यूँ सीढ़ियाँ चढ़ी हैं तो कुछ और है यू चढ़े तो कुछ और है ओके तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऑब्जर्वेशन इज द की फॉर एक्टिंग यस तो uh, मैं ही जानना चाह रही थी नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन <laughs> नहीं कर रही चीज़ <laughs> नहीं 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 कर सकते हैं नई आई थिंक यू आर राइट मैं तो ये पूछना चाहती थी कि कोई आपके जो जितने कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई एक है जिसको आपने अपने आस पास किसी कैरेक्टर या किसी uh, जीते जागते इंसान की अब, को ऑब्जर्व करके उस कैरेक्टर में किया हो कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे चीख का आपका कैरेक्टर था

वो जुमला है पे ख़त्म हो रहा है तो मैंने है पे ख़त्म करना है तो कुछ ना कुछ उसमें जो ये आखिर कब तक जो है उसके इतने खूबसूरत जुमले लिखे हुए थे कि मैं एडी से कहती थी, थी कि कोई जुमला रह ना जाए उसमें ऐड कर लूँगी माइनस नहीं कर सकती सही कह रही हैं और वो ग्रेट uh, जॉब <coughs> और उसमा ने बहुत अच्छी डायरेक्शन uh, की है लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस की बात है ना आई लव दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो एक्शन ना वो इधर ढूंढ रही है फिर लगा लिया और फिर बोलिए कहाँ है क्या है, है हमारा वो, it is so relatable.

क्या आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहा है आसिम को लेकिन और स्पेसिफिक क्या और क्या होता है बस एक गोल होता है आपके पास जिंदगी में वो आप कुछ भी बना लें मैंने अपना गोल आसिम बनाया ओके मैंने अपना गोल आम, आसिम बनाया उसके बाद चीजें आई कुछ लोगों का गोल कुछ और होता है कि हम ये अचीव कर लें फिर औलाद को पालेंगे तो मैं मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही ये मैंने जिंदगी में देखा अगर मैं आसिम को गोल ना बनाती तो मैं आसिम से बहुत दूर हो जाती काम करने के लिए मेरा गोल आसिम था तो मैं आसिम से बिल्कुल जुड़ी रही आसिम मुझसे जुड़ा रहा तो मैंने उसके लिए काम किया काम के लिए आसिम को नहीं पाला मुझे कुछ अचीव नहीं करना था मुझे बस आसिम को किसी आ, उस पर मेहनत करनी थी और मेरा दिल था कि आसिम किसी जगह पहुँच जाए तो अल्लाह पाक नहीं खूबसूरत बात बोलिए कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने आसिम को नहीं पाला आसिम को पालने के लिए मैंने दूसरी चीज़ की। मुझे बहुत ही खूबसूरत जुमला लगा क्योंकि इसमें बड़ी डेप्थ है जिंदगी जब डेप्थ के साथ गुजारी हो तो जुमले खुद ब खुद डीप आपको मिल आई होप जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लें कि हम समझ जाए तो अच्छी बात है मैं समझती हूँ देखिए मैंने आसिम से यही बात की कि ठीक है आ, आ, किसी के तजरबे से किसी ऐसे इंसान के कि जो आपको समझदार लगता हो उसके तजर्बे से अगर आप सीख लें तो बेहतर होता है कि पता चले आप घड़ी में गिरने के बाद फिर अपने घुटने तोड़वा के फिर निकलें हमने एक चीज़ अगर घुटने तोड़वा ली और गिर गए तो अगर आपसे कोई लोग रिलेट करते हैं वो अगर उससे बच जाएंगे तो बहुत फायदा फ़ायदा होता है तो मैंने आसिम से और वो बच्चा ऐसा है कि उसने ये मेरी बात समझी वो मशवरे से चलता है

हमें चाहिए कि लकीर ना पीटें हम लकीर पीटने में वक्त गुजार देते हैं बे, बेड़ा गर्क कर देते हैं अपनी और दूसरे की ज़िंदगी का तो लकीर नहीं पीटनी चाहिए नहीं समझ आ रही मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत आसान है नहीं समझ आ रही ओके okay, बाय ऐसा कुछ नहीं है पूरा आप अपना हंड्रेड परसेंट दें और हंड्रेड परसेंट देने के बाद भी अगर नहीं समझ आ रही तो फिर हमें हमारी ये गलत फहमी है कि बच्चों की खातिर जुड़े रहो बच्चे वो दे हमें हमें हम गलत फहमी हमारी कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों को हमसे ज़्यादा समझ में आ रहा होता है जब बड़े लोग वो आपको बता रहे हैं। होते हैं कि आप यहाँ गलत थी आप यहाँ गलत थे आप ये था वो था yeah, yeah. मेरा सवाल आपसे यह था कि बहुत नेगेटिविटी यूजुअली इस तरह के सिनेरियोस पे अटैच्ड होती है औरतें बहुत दफ़ा बेटर होती हैं या मर्द भी और वो इस चीज़ से आगे चल नहीं पाते हैं बच्चे अलाउड नहीं होते हैं मिलना वो आपस में भी रिश्ता नहीं रखते आपने कैसे किया ये हाउ डिड यू ओवरकम दिस नेगेटिविटी कोई टिप्स हैं अगर कोई ख़ुत या कोई भी इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है जो आप गाइड कर सकें कुछ बता सकें जो उनके काम आ सके कि आपने उस पॉइंट पे क्या सोचा क्या चीज़ें प्रैक्टिकली की क्योंकि कहना आसान होता है करना बड़ा मुश्किल होता बिल्कुल है बिल्कुल ऐसे ही बहुत आसान है कहना कि यार छोड़ो ना बुस्त मूव ऑन इट्स नॉट <coughs> ईजी तो प्रैक्टिकली आपने क्या ऐसा किया जो आपको ज़िंदगी में अब आप इतनी मुतमईन बैठी हैं और जिंदगी में बहुत अरसे तक आपने वो रोना नहीं रोया जो आप रो सकती थी और ज़िंदगी अच्छी गुजरगी उसकी वजह हाँ, से और क्या? तो कुछ शेयर कर सकती हैं हाँ तो रो देखो आ, रोते रहना हर चीज़ पे और उसके लिए कुछ ना करना यही तो गलती होती है हुँ. और जो नफ़रतें हैं वो ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं अगर आप अगर आपको किसी चीज़ से नफ़रत है तो वो नफ़रत आप अपनी औलाद में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं हुँ. उसकी पर्सनैलिटी तो आप बड़ा गरक कर रहे हैं आप तो आप तो उसको बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हैं आप बच्चा है वो अगर छोटी अगर उम्र है फिर तो आप बिल्कुल अगर बड़ी उम्र है तो वो तो खुद ही देख रहा है लेकिन अगर छोटी उम्र के बच्चे हैं तो उन पर उनमें ज़बरदस्ती के जिस चीज़ से आपको नफरत है उससे वो भी नफ़रत करें दैट इज़ नॉट फेयर चाहे वो आपके वालिद हैं चाहे वो आपके ख़ानदान है चाहे वो आपका ददयाल है वाह अगर मैं इसमें आसिम की एक पुपो को क्रेडिट देती हूँ पुप्पो को भी क्रेडिट देती हूँ जाहिर है एक एक फ़ासला तो हो जाता है तो बस मुझे ये था कि ठीक है ज़िंदगी सही से गुज़र जाएगी बस ज़्यादा नहीं होते तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आसिम की कौन है मैंने कहा वालदा मैं आसिम की कौन हूँ मैंने कहा पप्पी रिश्ते खत्म हो सकते हैं नहीं तो देखिए फिर वही बात है ना वाला का फरमान है कि ये ना देखो बात किसने कही है ये देखो क्या कही है तो ये बात मेरी अकल में आई और समझ आई मुझे तो ठीक है अगर कोई चीज़ आपको तंग नहीं कर रही और आ, मैं समझती हूँ कि जितनी पॉजिटिविटी आपको फ़ायदा देती है नेगेटिविटी तो आपकी ज़िंदगी को ख़राब ख़त्म कर देती है बट पेन नहीं होता How do you overcome that pain? और वो पेन आपको बर... रोकता नहीं है इस चीज़ को करने से फिर आपकी दिल, दिल फिर... इतना बड़ा कैसे किया आपने फिर ये, ये, ये देखिए फिर हम वो बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि जी एक कमरे में बंद हो के जो आप सिर्फ जो है वो वो शुरू कर दें आप कोई बहुत ही को मैं नहीं हम इतने कोई मजहबी और वो नहीं है लेकिन इंसान के अंदर तो बहुत कैपेसिटी है हम अपनी कैपेसिटी दूसरी चीज़ों के लिए तो बढ़ा लेते हैं इस चीज़ के लिए नहीं बढ़ा सकते जिस चीज़ के लिए बढ़ानी चाहिए नहीं फॉरगिवनेस एक चीज अलग होती है अच्छा दैट इज दैट दैट शुड बी पेशेंस सबर ठीक है उम्मीद शुक्र बड़ी सारी चीज़ें जिनके जिनसे मिलके ये चीज़ बनती है ज़िंदगी ऐसे नहीं होता और ये कहना कि जी मैं समझती हूँ कि जितना मुश्, मुश्किल समझा जाता है उतना मुश्किल है नहीं उसको आप आसान कर सकते हैं अपने अंदर की नफरतें कम करें ना मुझे तो समझ ही नहीं आता ये कि न, आ, लोगों से मोहब्बत करने के लिए तुम कितनी देर के लिए आई हो मेरे पास घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे जब हमें एक दूसरे से अच्छे से मिलने के लिए वक्त नहीं है तो नफ़रतों के लिए कहाँ से निकालते हैं ऑनेस्टली ये सवाल है मेरा कहाँ है वक्त आपके पास और कैसे निकालते हैं आपसे तो फिर यह आपके अंदर की ख़राबी होती है जिसको आप अंदर बढ़ाते चले जाते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये 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 ग्लास है शीशा है ठीक है ना ये दो दिन इसकी डस्टिंग ना करें आप तो क्या होता है तेज जमना शुरू जाती है और तो क्या होता है फिर दिखना बंद हो जाता है तो आपका दिल भी बिल्कुल ऐसे ही है रोज़ उसकी डस्टिंग अगर नहीं आप करेंगे तो उस पर गर्द जमती चली जाती है ये मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रही आपको रात को लेट के सोचना चाहिए कि आपसे दिन में आज कोई बेहतर काम हुआ है या नहीं हुआ मैं मानती हूँ कि अगर आप ये सब किताबी बातें सिर्फ लफाजी के तौर पर करेंगे तो खा किसी पर असर नहीं होगा और अगर ये प्रैक्टिकली आप जिंदगी में कर चुके हैं तो जरूर कहीं एक भी अगर कोई रोशनी चली गई तो बड़ी बात होगी आपने शादी नहीं की सेकेंड मैरिज और आपने कहा कि मैंने आसिम मुझे लगा आसिम को मेरी मैं आसिम पे ज्यादा बेहतर तवज्जो दे तोहिर सी बात है।, है एक दफ़ा कर ली ना बार बार तजर्बा करना बहुत जरूरी है बार बार जूते खाने बहुत जरूरी गई अब वो फिर वही बात है देखिए या तो औलाद ना हो सामने फिर वही बात होती है गोल की बात है किसी का गोल कुछ गोल की बात होती है कि आपको आप सामने क्या देख रहे हैं आपका गोल क्या है आप किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं क्या आपको आप इतनी आप इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप किसी के सहारे के बगैर चल सकें फिर तो आप लोग आपको कर लेनी चाहिए ये कोई मैं नहीं कह रही कि जी किसी को भी नहीं करनी चाहिए नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन अगर आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप वो ज़िंदगी गुजार लेंगे और फिर एक किसी और जिंदगी में अपनी ज़िंदगी दे देंगे तो आई थिंक दैट इज़ फाइन तो गोल की बात होती है अचीवमेंट की बात होती है जो आपके जहन में हो लेकिन अब अगर आप पीछे देखती हैं और तो कभी कभी कंपेनियनशिप की कमी पीछे तो होती नहीं है। देखना चाहिए चलें अभी आस नेवर नेवर अब्बा हमारे कहा करते थे माजी को ना देखें मुस्कबिल की फ़िक्र ना करें ये जो अभी वक्त गुजर रहा है ना राबिया ये है ज़िंदगी इसको अच्छे से गुजार लें हम क्या करते हैं कोल रो, रो के पिट पिट के, के और वो आ, क्या होगा? अरे परसों तो किसी ने देखी नहीं परसों तो कल नहीं देखी किसी ने तो आप परसों की बात कर रहे हैं तो ये चीजें अगर जिंदगी में शामिल कर ले मैं नहीं समझती के आपको कोई फिर 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 अल्लाह की रहमत शामिल हाल कैसे होगी जितना आप सब्र करेंगे जितना शुक्र करेंगे जितना जितनी मुसीबत आप जितनी मुसीबतों को पीटेंगे मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी मुसीबतों को मुझे पूरा मौला का फरमान याद नहीं है लेकिन मौला फरमाते कि मुसीबतों को नशर ना करना मुसीबतों को कम करने के मुतरद है और मुसीबतों को नशर करना फिर तो आपने अपने लिए मुसीबत ले ली इससे बात उससे बात उससे रो उससे पिट मेरे सर क्या जरूरत क्या जरूरत वो 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 का वो टाइम आप काम पे ना लगा दें सही कह रही कंस्ट्रक्टिव अपने आप को प्रोडक्टिव हाँ तो पॉजिटिव फ्रेंड ग्लास आधा भरा हुआ है खाली नहीं है <laughs> अप्रोच है अप्रोच है बिल्कुल सही अप्रोच है आपकी मेरे हैं एक बहन भाई हैं अगर हम ये अगर मगर ये तो

दे सो एलिगेंट ना आई डोंट नो सब लोग अरे आपके पास जेवर जेवर आप जेब नहीं मैंने कहा नहीं भी पहनती पर आज तक मुझे कभी किसी ने अपने घर से निकाला नहीं है इसकी बुनियाद पे <laughs> <laughs> कि सुनो तुमने गोल्ड नहीं पहना हुआ चलो हुँ। आउट अच्छा ये बताएं अपने फादर से बहुत क्लोज थी क्लोज नहीं थी लेकिन उनकी बातें तो ऐसी थी कि अब याद आता है कि वो बैठ के नहीं समझाते थे अब उनका एक एक जुमला याद आता है कि क्या कहा करते थे क्योंकि अब्बा हमारे सिर्फ इतनी बात करते थे आ, अबा मेरा ख्याल रिटायरमेंट के बाद फिर लंदन चले गए थे तो सारी ज़िंदगी वहाँ है तो फ़ोन पे कभी मैंने करना अब अमैकुम जी बेटे वाले अम्मी हैं नहीं बेटे आप ठीक है अच्छा अच्छा खुदा हाफिज इतनी बात करते थे वो लंबी बात नहीं करते थे लेकिन जो मैं उनकी बातें कोट करती हूँ तो वो अब मुझे याद आती हैं कि वो कभी कभी क्या बातें करते थे रब यकीन करो कि अबा से पूछना मैंने कि अबा ये ऐसे ये इसका क्या होगा उन्होंने कहा बेटे ऐसे होगा उसके बाद ये होगा ये होगा और नतीजा ये निकलेगा मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे बता देते हैं कोई पीर और नहीं कोई भी नहीं बिल्कुल भी नहीं तो वैसे ही हुआ करता था तो वही बात है कि तजर्बा और एक हाँ एक और बात अब्बा हमारे कहा करते थे कि जो फ्रेजेज़ होते हैं ना मुहावरे इनको देखा करो क्योंकि ये सदियों की तगो के बाद बनते हैं तो ये गलत नहीं हो सकते अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात हाँ। अब मैं भी बड़ा उस पर गौर करूँ <coughs> लेकिन दो मुहावरे अच्छा कौन से एक वो कि जो फजूल सा बनाया हुआ किसी ने कि भाई जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ टकराएंगे तो जरूर उन्हें हाँ। करनी गलत अच्छा। जाके अच्छा सा स्टैंड खरीदे <laughs> और उसमें लगाएं अलग अलग प्लेट्स लगाएं अलग अलग अगर जाहिल औरतों की तरह एक टोकरा लेके बर्तन धो के उसमें पहले मग डाल देंगे अब आपको मग की जरूरत है नीचे से घसीट रहे हैं तो वो तो टूटेगा टूटेगा तो अगर आप तरीके से रखेंगे तो अब्बा हमारे ये कहा करते थे कि जिंदगी में जिंदगी एक ब्लॉक्स की तरह है हर एक को उसके खाने में रखोगे तो कभी कुछ नहीं होता दूसरा मुहावरा कौन सा था कि जी मुँह पे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए उन्होंने कहा ये क्या बात है जिसकी तारीफ़ है उसको सारी जिंदगी पता ही ना चले, चले कि हम तुम्हें हाँ। पसंद करते हैं तारीफ़ तारीफ करते हाँ। हैं है। है। बिल्कुल गलत तो। फिर वो दूसरे पे हाँ आप करें मुझे अक्सर आसिम भी कहता अम्मी आप अपनी ये वाली आदत बदल लें आप जो है वो मैंने कहा बेटे देखो फिर ये दूसरे पे जिम्मेदारी चली जाती है कि वो उसको किस तरह से हैंडल करता है okay, okay. So, क्या क्या? कहता है उसको क्या? कि अम्मा आप जो है ना वो आ, मतलब या तो यहाँ होती है या यहाँ होती है। अच्छा तो थोड़ा में सा नहीं खेलती है आप, तो <laughs> मैंने कहा बेटे आपको मैं अभी तो आप इस बात पर हंस रहे हो लेकिन बीच वाली चीज तो मुनाफत है hmm. तो या yeah. तो है या नहीं yeah. है बीच वाली क्या होता है बीच वाली ही तो मुनाफ़त है तो फिर मुनाफत शुरू कर दे तो मुझे मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ अलहमद चाहे उस वक्त बिटरनेस लगती हो लेकिन उसका नतीजा हमेशा ठीक नहीं क्या आप दिल से कह रही हैं आपका मकसद किसी को वो नहीं करना है। जो बात है वो बस या है या नहीं है, है। बीच की क्या ये जो नया निकाल लिया तरीका दे शुड बी ग्रे इज ग्रे? ग्रे उर्दू में तर्जुमा करें मुनाफ़त को कहते हैं आर either, वाइट either कुछ कैरेक्टर्स में तो ये आप बिल्कुल सही कह रही कि ड्रामा में देखिए तो इट शुड बी ब्लैक और व्हाइट देर इज नो ग्रे ग्रे इज मुनाफिक फिर आप मुनाफिक कहवा लें अपने आप अब अगर कभी अपने आपको एज अ पेरेंट सोचती हैं देखती हैं तो कोई एक चीज है अपने फादर की जो आपने पिकअप की है वही तमाम क्या कुछ हमें बताएं जो आपको अब आप देखते हो कहती है तो कभी कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ आजकल तो मैं यार ये आई मैं बिल्कुल अपने मैं वो हरकत करी जो मेरे फादर करते हैं या मैं अपने फादर की खुश रहते थे हर वक्त वो अब कभी भी अब सड़ियल मिजाज नहीं थे अच्छा वो तो हमें आप भी माशा से मतलब हकीकत में अबा थे जियो और जीनों दो पे मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो वाहिद अब्बा थे जिन्होंने मेरा साथ दिया बाकी तो रो रो पिट पिट के पागल हो गए सारा अच्छा। ये क्या कर लिया अब्बा थे मैंने कहा अच्छा कर लिया ना ना वॉट अच्छा मैं शादी करके बताया था आपने। हाँ जी चलिए कहानी सुना दें अब बस ये, नहीं सुनी ये मैंने नहीं सुनी आप कह रही थी ना ये वाली मैंने नहीं सुनी भाई यही वाली कहानी है कि करके बताया

गुस्सा हुए है बिल्कुल हाँ। अच्छा गुस्सा होने के बाद कहा अच्छा बताओ अब क्या हाँ फिर आपने बता दिया सच हाँ फिर क्या रिएक्शन था बस फिर यही रिएक्शन था कि अट्ठारह साल गुजार लिए <laughs> <चले, laughs> बहुत ही हद से ज्यादा तमीजदार इंसान थे मेरे वाले हद से ज्यादा

आई विल नॉट लीव यू मैंने कहा ये सोच ना रखना कि मैं 18 साल की उम्र तक मैं तुम्हारे पे नजर हटाऊंगी अच्छा बिल्कुल भी मैंने कहा ये याद रखना हुँ, हुँ। कहां से कैसे नजर होगी ये 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 तो मैं नहीं पता होगा। ओ, ये भी धमकी दे और और ये ओ, मैंने किया अच्छा देखो वही बात आ गई ना अगर मैं शादी कर लेती तो ये नजर मैं कहा से रखती वो तो नजर फिर मेरी आधी उधर होती आधी उधर आधी कहीं और तो बच्चे पे तो ना होती ना तो मैं नहीं कहती कि आज जो आसिम है अलहमद वो सिर्फ मेरी वजह से बेशक अल्लाह की अल्लाह की ही करम नवाजी होती है लेकिन फिर वही बात है कि रसूल ख़ुदा की हदीस है कि आपके पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा और रसूल खुदा ने पूछा कि भाई कैसे आए तो उन्होंने कहा ऊँट आया हूँ तो उन्होंने रसूल खुदा ने कहा ऊँट तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा उन्होंने कहा आपके और अल्लाह के नाम पर मैं छोड़ आया रेगिस्तान में उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी जाओ जाके उसका पैर बाँधो हाँ। फिर मेरे और अल्लाह के नाम पे छोड़ के आओ सही बात है तो हमें ये तो, तो मेहनत करनी है ना फिर वो वो जाने उसका काम जाने जब आप मेहनत करते हैं तो कैसे वो छोड़ सकता है फिर आपको तनह मैं आसिम से ज़्यादा नहीं मिली रही हूँ आसिम को ज़्यादा जानती नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन हुआ है थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ जिस तरीके से वो ऑन पब्लिक फोरम भी वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं आई थिंक बहुत कुछ कहती है वो आपकी परवरिश के बारे में आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड सबसे मुझे लगता है हम लोग हमारे माशरे को यह समझ नहीं आती हम एज एल मदर बहुत बोलते हैं की दुख हुआ हुआ लेकिन बच्चे कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं और बच्चे अगर अच्छे तरीके से बड़े हो जाए और अपना कुछ बना ले आई थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकती तो है, है क्या और हमारा साइकिल जो है ये किसके किस पीछे घूम रहा है शादी होती बच्चों का चलो भाई अब इनको बढ़ाना अरे बड़ा यू नहीं कर रहा फला तो सारा फोकस ही इस पे है तो फिर और सबसे ज्यादा मुझे आ, सुकून और खुशी कि जिस दिन आसिम के वालिद ने मुझे थैंक यू कहा कि थैंक यू गोल ऑफ कोर्स द वे यू तो बस खत्म हो गई बात छुट्टी उसके बाद तो मैं

दोस्तों में था उस लेकिन ये कि उसने मुझे एक फिर ज़रा सा बड़ा कहता अम्मी प्लीज़ मुझे किसी के सामने ना डाटा करें तो मैं तो रख के थप्पड़ लगा दिया थे नहीं हो नहीं बस अगर मैं समझती हूँ अगर उस वक्त ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज ये ना हो रहा होता अगर मुझे हर जगह से हर ऑनेस्टली राबिया मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ये इंटरव्यू है पता नहीं कितने लोग देखेंगे कोई भी शख्स आपको कॉल करके कह सकता है या मुझे कॉल करके कह सकता है कि आप गलत बात कर रही हैं आप झूठ बोल रही हैं मुझे आज तक मैं भी शोब में हूँ कहीं भी किसी से भी इतनी सी भी आसिम की बुराई तो दूर की बात अच्छाई के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिला एंड आई फील सो प्राउड माशा यू शुड बी डेफिनेटली तो मैं अभी एक सेट uh, पे थी कमर्शियल पे जा रही थी तो हमारे डायरेक्टर uh, हैं किसी ने कहा कि आसिम की अम्मी आई तो उन्होंने कहा आस्था बोलो गुलापा का अपना भी एक वो तो मैं उसके पास चली गई मैंने कहा तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मेरा ये इंट्रोडक्शन मुझे कितना अजीज है yeah. कि मैं मैं अब ये सुनती हूँ hmm. कि आसिम की अम्मी आ रही hmm. एक वक्ता उन्होंने hmm. कहा गुल का बेटा आ yeah. अब 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 हर जगह ये होता है आसिम की अम्मी आई है yeah. तो इसी के लिए तो इंसान इसी के लिए तो सारी मेहनत थी बिल्कुल तो फिर मुझे तो अल्लाह ने जल्दी से जल्दी कर दिया मुझे तो याद भी नहीं आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ अलहमदुल्ला नो सीरियसली आई हैव नो रिग्रेट्स मैं मुझे तो लगता है जो गलत हुआ मेरा अल्लाह तो गलत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला हाल है कि जो, जो गलती में से अच्छाई निकल, अच्छाई निकल आए निकल तो उससे उससे बढ़ के क्या चीज़ होती है जब सोशल मीडिया पे अक्सर ये हुआ हमारे पास में कि आसिम को काफ़ी फेस करनी पड़ी हैं चीज़ें है यू नो उस मदर आपका क्या रिएक्शन होता है क्या करती हैं क्योंकि अब अब है। तो मुझे याद है कमेंट में डिफेंड करती वो तो बड़ी मजेदार बात है नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। यूट्यूब पे तो मैं कभी भी नहीं आसिम ने मुझे नया फोन दिला के दिया ना अब मैं लेती हुई आराम से अब अब जाहिर है आसिम के पढ़ रही हूँ मैं मेरा फोकस ही एक है अब मैं देख रही हूँ हेड भी आते हैं फलाना भी आता मैं कैसे बर्दाश्त करूँ अब फलाने को उसने लिखा कही मैं कहा तुमने अपनी शक्ल देखी है फला किया है बारह तेरह फलाने ये ये ही करती चल जा रही एकदम से आसिम की आवाज़ आई अम्मा अच्छा वो जो बड़े प्यार से आवाज़ देता है तो उस दिन बड़े एक मैंने कहा क्या हुआ अल्लाह खैर करे अब आया करा क्या कर रही हैं आप अच्छा मुझे इतना नहीं लगता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या कर रही हूँ अम्मा आप मैंने कहा क्या कर रही हूँ भोली सी बन गई

पता नहीं अब नाम भी भूल गई पहले मुझे नाम भी याद था तो मैं होमवर्क uh, नहीं करके गई थी hmm. तो उन्होंने पूछा वे इज योर होमवर्क वे इज योर होम डॉग्स तो मैं आई सॉरी मैडम उन्होंने कहा व्हाट इज सॉरी नो सॉरी टेल मी विद योर रिएक्शन दैट यू फीलिंग सॉरी सॉरी आई डोंट एक्सेप्ट सॉरी वो नहीं एक्सेप्ट करती थी कहती थी फिर अपना रवैया ऐसा करो कि वो पता चल जाए hmm. इसका मकसद है डोंट डू इट अगैन तो मैं वो अभी तक जो है मेरे दिमाग में है गलती दोबारा अगर आपने गलती दोबारा कर दी तो वो फिर गलती तो नहीं है नहीं नहीं फिर तो आपकी हैबिट है फिर तो आप कहीं भी ये करेंगे हरकत तो आप गलती दोबारा ना करें, करें। सही कह रही हैं तो ये है सर वो गलती हाँ। तो नहीं थी वो तो आपका माँ का <laughs> नहीं लेकिन 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 मैंने सीख लिया ना कि नहीं या सखामोशी सबसे सबसे बेहतर खुद ही चीजें खत्म हो जाती हैं एंड सारी सिचुएशन साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज इज द बेस्ट रिवेंज आपने क्यों नहीं गाना गाया आसिम के साथ मुझे पता है कि आप गाती भी हैं हमने कभी आपका और आसिम का एक डुएट देखा या कोई मिक्स क्यों नहीं आसिम ने कभी सजेस्ट किया या नहीं और... नहीं कभी भी नहीं, नहीं वो क्या? तो जिस ड्रामे में मैं हूँ वो उसको क... उसमें जाके अब, अब कास्ट नहीं होता <laughs> <laughs> वो कहता है या तो आप छोड़ दे या मैं छोड़ दूंगा मुझे ये पूछा था कि कभी कोई कैरेक्टर पे कोई देखा उन्होंने कोई आके बोला कुछ है। कोई रिएक्शन वो मेरे मरने का नहीं देख सकता अगर कभी कोई डेथ सीन हो मैंने उनसे कहा मैंने कहा कहता नहीं

सबा जो है सबा कमर वो अपना स्क्रिप्ट पूरा पढ़ती तो और जाहिर सी बात है वो कमाल की एक्ट्रेस हैं हमारी और जो अच्छा एक्टर होता है उसकी से भी नहीं। नहीं। उतनी होती है तो उन्होंने जो है बदर से कहा कि मुझे अपनी माँ के रोल में गुलाब चाहिए वाओ देखिए हमें तो पता नहीं मुझे तो नहीं पता थी ये तो मुझे नहीं। भी नहीं।, नहीं पता थी कि सबा ने जो है तो फिर ये उसने कहा कि नहीं उन्होंने कहा मुझे कोई मुझे आर्टिफिशियल कोई भी नहीं चाहिए तो उन्होंने बहुत सारे नाम दिए लेकिन आई एम सो लकी और uh, मुझे मैं सभा का मैं तो शुक्रिया नहीं कह सकती कि उसने कहा कि नहीं इस कैरेक्टर के लिए मुझे ही चाहिए ऐसे हुआ तो, तो बस उस, फिर उससे उस पहले आपकी मुलाकात हुई थी सभा सबा से सभा से, सबा हमेशा से जो है वो मुझे अप्रिशिएट करती थी जब सबा से मैं पहली दफ़ा मिली थी तभी उसने मुझे कहा था कि आप ये उसके अलपाग की आप टी अच्छे एक्टर हैं तो मैंने कहा अच्छा तो नहीं हो तो गए खैर क्योंकि केमिस्ट्री ना स्क्रीन पे भी नजर आ रही है हाँ। जो वो आप दोनों का कनेक्शन था हाँ। इसीलिए जब आपके कैरेक्टर की जिस तरह से हम लोग कितना सब चीख पड़े उससे में आ गए सारे ऑडियंस रिएक्शन अगर आपको याद हो तो लाइक क्यों किया ऐसा यू you नो know? और जब अम्मा भी उसके साथ कर रही हैं तब भी हमारे रिएक्शन बड़ा आ रहा था तो वो इसी वजह से था कि आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि वो हमें वाकई वो रिलेशनशिप समझ आ रही थी हम कनेक्ट कर रहे थे हाँ। उससे उस कैरेक्टर को करने के लिए कोई चैलेंज था आपके लिए एक्चुअली चैलेंज को मैं सच बात ये बताऊँगी चैलेंज मेरे लिए एक्टिंग तब होती जब मैं सीख के आती ठीक है और मुझे एक्टिंग के बारे ये बिल्कुल मैं हकीकत बता रही हूँ और मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता होता अवेयरनेस भी एक बड़ी जालिम चीज़ होती है और अगर किसी चीज़ का आपको ना पता हो वो भी एक कमाल चीज़ होती है अगर आ, जैसे बच्चे को सांप का नहीं पता होता तो उसे डरता ही नहीं उसे हाथ से पकड़ लेता है, है। तो मुझे कैमरे का पता ही नहीं था तो लिहाजा मैं कैमरे से डरी ही नहीं ओके, ओके। ठीक है ना इंटरेस्टिंग और नहीं मैं सच बता रही हूँ आपको और जिस तरह से मुझे एक्टिंग में धक्का मिला था कि चलो बस करो तो वो तो आ, अब क्या है कि वो मेरी मेरे काम में शामिल हो गई हैं जो ड्रॉबैक था वो वो ब्लेसिंग इन डिसगैस हो गया मेरी गलत चीज़ अच्छाई की तरफ आ गई ख़ुद ब खुद बाखुद कि मुझे कैमरे से डरी नहीं मतलब मुझे कैमरे का जब पहले मैंने आ, शायस्ता शास्ता किया तो मज़ाक के अलावा मैं बिल्कुल प्रोडक्शन तो करती थी लेकिन कभी एक्ट कैमरे के सामने नहीं आई थी अब वो सीन कर रही हूँ अब मुझे यही नहीं पता कि कैमरा है कहाँ अब जब कैमरा आपका पता ही नहीं है तो कॉन्शियस कैसे होंगे आप जिस चीज़ का आपको पता होता है मुझे पता चले ये बच्ची यहाँ खड़ी भी तो मुझे पता है कि वहाँ कोई है जब आपको पता ही नहीं है तो आप अपनी धुन में कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ क्या ओह हो, हो आप कितनी नेचुरल एक्टिंग करती है अंदर तो मुझे पता है ना नेचुरल क्यों करती हूँ कि कैमरे का ही नहीं पता ठीक है अब और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मैं स्क्रिप्ट नहीं कभी पढ़ा ही नहीं था तो अब वो आदत सी बन गई स्क्रिप्ट पढ़ना ही नहीं है तो जब सेट पे गए उसी वक्त देखा उसी वक्त किया तो उस वक्त ये सोचा कि इसकी जगह मैं हूँ तो क्या होगा as हाँ as hmm. तो जो एक पूरे सीरियल में जो चीज़ थी वो जो अगर शायद तुमने देखा हो जो कोर्ट का जो सीन hmm. था जिसमें वो गुंडे बदमाश मुझे डरा के ले जाते हैं सिखा के, भी भी के तो वो फिर मैंने बदर से रिक्वेस्ट की मैंने कहा बदर इज़ इट पॉसिबल कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो एक्टर कोई भी हो चाहे इसमें नो मैटर व्हाट जो कैमरे के सामने आके डायरेक्टर को समझा रहे होते हैं आप चाहे कितने ही बड़े एक्टर हैं जब आप कैमरे के सामने हैं तो फिर आप पपिट वाला रास्ता दिखाना तो वो आपको बता रहे आप उसे बता रहे सो फनी <laughs> so yeah. वो जो देख है हाँ आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ कर सकते हैं बिल्कुल लेकिन यू कांट टीच हेम के जी आप मुझे बहुत बुरा लगता है चाहे hmm. वो कितना ही बड़ा एक्टर हो और कोई भी सुन रहा हो yeah. यहाँ से आ, 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 ले लें कैमरे को यहाँ रखें आप यहाँ खड़े हो जाए एक हम सीन कर रहे थे बात कहीं और निकल रही है आई डोंट वॉन्ट टू नेम हिम बड़ा बहुत बड़ा नाम एक्टर का तो बार बार मुझे कहें गुल आप ऐसा करें आप यहाँ खड़ी हो जाए मैं चुप खड़ी नहीं अपनी एक आदत भी तो होती है फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आप यहाँ खड़ी हो मैंने कहा आप डायरेक्टर हैं आप भी तो मेरे साथ एक्टिंग ही कर रहे हैं कह दिया ना कहने की क्या वजह है मतलब मैं उनका लेके थोड़ी खाती हूँ कि मैं उनसे डरूंगी या मुझे अगले सीरियल में नहीं लेंगे ये तो कभी खौफ रहा ही नहीं ना सही इसलिए कि अगर आपको ये पता है कि रिस्क देने वाली वो जात बैठी है।, है।, है तो आप लोगों के तरले उसके तरले करें ना जिससे कोई हासिल भी हो लोगों के तरले करने से आपको क्या हासिल होता खैर सीख की जो बात हो रही थी तो वो जो कोर्ट का जो सीन था वो मैंने बदर से रिक्वेस्ट की मैंने कहा बदर इफ यू अलाउ मी ये मैं सीन खुद से कर लूँ अच्छा तो थैंक यू थैंक यू बदर के, के आपने मुझे अलाउ किया और यू यूसीद के थोड़ा सा सोचा उसने कहा जी ठीक है okay. तो फिर मैंने वो सीन जो है तो वो तो क्या लिखा हुआ क्या क्या था और आपने डिफरेंट ना, 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 लिखा वो जो था okay, वैसे ही था फिर क्या डिफरेंट किया मतलब डिफरेंट ये किया कि कोशिश की कि क्योंकि वो डर के बोल रही है हुँ. तो वो फिर जो डर के बोल रहा होता है वो फिर उसके अल्फाज थोड़ी रह जाते हैं फिर तो वो एक रट्टा होता है के तोते की तरह के वो यूं हुआ फिर यूँ हुआ उसने ये कहा वो कि वो उसके वो एक वो अपनी बच्ची के अगेंस्ट बोल रही है वो ही उतना प्रेशर है उसके ऊपर इतना प्रेशर है तो फिर तो, तो, तो वो तोते की तरह रट्टा बोलेगी ना हु, सही बात है फिर बीच पे किसी ने रोक दिया उसने फिर वहीं से शुरू किया हुँ. उसको तो कोई चीज़ वो भी नहीं कर रही बिकॉज वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हाँ, क्योंकि वो खुद से तो नहीं बोल रही ना खुद से बोलेगी तो वो तो बच्ची को डिफेंड कर जाएगी हम्म कह सही कह रही है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि जब हम देख रहे होते हैं अक्सर हमें ये इनसाइट नहीं शायद समझ आ रही होती है जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये आप सही कह रही हैं ये मैंने सीन बड़ा सोच के किया था कि ये सीन जो है रोते धोते नहीं होगा क्योंकि रो धोगी तो वो तो तो पकड़ लेगा कि इस पर कोई प्रेशर है Exactly. और उसने कहा अगर तुम बोली तो हम तुम्हारी बेटी को गोली मार देंगे हुँ. तो उसको बचाने के लिए उसने उसी पे इल्जाम दे दिया कि चलो पागल खाने चली जाएगी जिंदा तो रहेगी।, तो रहेगी. और बेटी हैरान ये ये क्या चेंज आ गया माँ में ये एक समझती हूँ थोड़ा सा काम करने बहुत अच्छा बता सके सबा बहुत है बहुत वो आपको बहुत रूम देती है कभी नहीं मैंने देखा कि बड़ी आर्टिस्ट है वो वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है मैं समझती हूँ जितना बड़ा इंसान होता है वो उतना तो बड़ा किरदार का भी मालिक होता है सभा को मैंने कभी नहीं देखा कि वो आ, कि मेरी लाइनें बाज दफ़ा उसने अपनी लाइनें बिल्कुल ज़ीरो कर दी ताकि आपके क्या ताकि जो है उसके हम हम सीन को डिस्कस करते थे कि नहीं इसमें ज़रूरत नहीं है बोलने की तो मैं कभी कहती थी कि सभा नहीं मुझे बोलने की देखा नहीं ये दो जमले आप ज़रूर बोलें तो सबा हाँ, जो उसके लिए एक जुमला आएगा शी इज नॉट इनसिक्योर हाँ आर सो मैनी आपको कास्ट नहीं होने देते साथ में बड़े-बड़े hmm. बड़े नाम है, situation exists है uh, वो उनको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है इनसिक्योरिटी hmm. क्या होती है आपने अगर आप, आपने फेस किए ऐसी हाँ जी क्यों नहीं इतने बड़े बड़े नाम है वो कास्ट ही नहीं होने देते साथ में

इस प्यार के सदक़े में बड़ी अप्रिसिएशन मिली हालांकि वो तीन दिन मुझसे मांगे थे उन्होंने कि जी आपका गेस्ट ऑफ है मैंने कहा जी ठीक है मेरा खाली टोटल को इक्कीस बाईस सीन थे आई सेड फाइन क्योंकि वो भी डायरेक्टर जिनको हम दादा कहते हैं फारूक रेन ठीक है मेरा उनके साथ पहला काम था अब वो सीन भी इतने उम्दा लिखे हुए थे और फिर वो जैसे बने जैसे हुए तो उसके बाद की बात बता रही हूँ कि डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल होता है तो हमारे एक एक्टर ने कहा कि हाउस में तो आपने कमाल कर दिया और ये कर दिया और फलाना कर दिया और ढमकाना कर दिया तो मैं जो बात भी राबा करती हूँ ना मैं दिल से करती हूँ yeah. तो मैंने उसको कहा मैंने कहा जी मैंने कहा डायरेक्टर का बहुत बड़ा कमाल था नहीं, नहीं 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 जो आप एक्टिंग कर गई हैं मैंने कहा देखिए डायरेक्टर का रोल बहुत बड़ा होता है उनका uh... काम था ये नहीं माने तो मैंने फिर उनसे कहा मैंने कहा मेरे तो चार ड्रामे और ऑन एयर है उसको क्यों नहीं उस तो उस मिल रही। मिल रही। फिर उनको समझ आई मैंने कहा काशिफ निसार को देख लीजिए अभी एक प्रोजेक्ट उनके साथ किया है ऑनर होगा मैं कहती हूँ मैंने उनको अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने कहा क्या सीन करवाए हैं आपने तो उन्होंने लिखा कि आपने किए हैं ऐसा नो वे मैंने कहा कोई और डायरेक्टर होता तो कहता यूं ना रोएं बाल ठीक कर लें

टॉप तो का गेटअप बड़ा इंटरेस्टिंग था <laughs> वो बड़ा अच्छा लग रहा था फिर ओवरऑल भी मुझे एटीट्यूड जो था ना अन्ना जी का जो स्पेशली वो जो सीन जो इमरान अशरफ के साथ जब आता है मूसा उसको बोलती है ना ये जो पैसे तुम्हारे हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग इतने interesting? बार से देखा तुमने ऑफ कोर्स कोर्स तो उसको जो आपने क्रिएट किया उसमें कुछ बता सकती हैं क्या कैसे um, आया जब आया तो आपने क्या सोचा ये जहाँ किया वहाँ बताऊंगी जहाँ नहीं किया वहाँ वजाहत फिर वजहात ने भी हमेशा मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स में कास्ट किया वजहात रऊफ़ तो उनकी बेगम है शाजिया वो प्रोड्यूस करती हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो है वो कैरेक्टर पहले दूसरा था तो फिर मैंने कहा वजहात से आ, मेरा ख्याल है वो जो मूसा की अम्मी का हाँ शायद कहने लगे पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी तो जब वो मेरे पास कैरेक्टर आया तो वो दबे दबे लफ्ज़ों में कि ये वो खातून हैं जिनके पास लड़कियां होती हैं फिर वो कह है मैंने का, ना, अगर वो नहीं है क्या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। है नहीं। वो है वो हेड है घुमा के आपके पास लाने की हाँ तो कि हाँ। शायद नहीं बुरा लग जाए कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है ना वो अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप इतनी मैंने कहा देखिए

फारूख तरीन साहब ने किया दादा ने कि वो इक्कीस सीन मेरे उन्होंने पूरे सीरियल में फैला दिए जो कि नहीं थे वो मेरा ख्याल है दो तीन एपिसोड का कैरेक्टर था वो या, या। लेकिन तो हम देखते आपको उन्होंने ये ये दादा ने किया जो मैंने पहला सीन किया उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में लगा दिया जो कि नहीं था वो उन्होंने उन्होंने स्क्रिप्ट बदल दिया उसको तो ये डायरेक्टर की बात होती है ना इसी तरह वजाहत रऊफ ने किया कि पहले ये कैरेक्टर अब तीन दिन में कितना होगा इस सीरियल में लेकिन उसने वो काम को मेरे पूरे सीरियल तक ले गया तो थैंक्स टू देम बिल्कुल स्क्रिप्ट आता है जो बड़ा होता है फिर डायरेक्टर उस पर काम करता है ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन फिर एक्टर उस पर हाँ exactly, तो लेकिन ये है कि वार्ड्रोब मैंने हमेशा अपना खुद किया हमेशा तो डिजाइनर अपना जो है नहीं डिजाइनर इन देंस मतलब एक गरीब औरत है किसी के घर काम करती है तो वो कैसे खादी के कपड़े पहनेगी सोचने वाली बात है ना वो तो किसी औरत के दिए हुए इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनेगी ना तो नजर आएगा ना तो स... और टेलीविजन ये एच डी कैमरा तो सब दिखा देता तो है तो कैसे आप जो है इस चीज़ से बच सकते हैं या आप जो है वो तो कैरेक्टर तो आप खुद ही अब एक अमीर कबीर खातून है वो अगर कोई हजार बारह सौ का लॉन का जोड़ा पहनेगी वो 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 गलत है तो वो पहनेगी ना कोई पच्चीस हजार का लॉन का जोड़ा ही उसका पच्चीस हजार का होगा एंड इट शोज सही बात है ये छोटी छोटी चीजें जो कैरेक्टर को रियल बनाने में है करती, हैं। करती है ना बकवास मैं, मैं करेंगे पहले तो, <laughs> तो विजुअल और क्या सारा खान सारा बहुत प्यारी बच्ची है उनके साथ है ना आदत बहुत प्यारी बच्ची है बहुत ही जैसे वो धीमा बोलती है वैसी ही है अभी तो। चल रहा है आपका और अभी, अभी तक चल रहा है चल रहा है, अभी तो वो बड़ा आने वाला है अच्छा में। तो कैसा आया स्क्रिप्ट आपके पास और आपने क्यों हाँ वो, वो ऐसे आया कि उसामा जो है वो उनके साथ ये हमारे हम क्लीग रह चुके हैं आज टी में जब जॉब करती थी ओके। ये 2008 2009 की बात है तो वो डायरेक्टर थे मैं वहाँ प्रोड्यूसर थी तो उसामा का उसामा अगर सुनेंगे तो वो सेकंड करेंगे मेरी बात को ये मैं नहीं कह रही उसामा का वहाँ पे कहना ये होता था कि मुझे गुल दे दें एज प्रोड्यूसर तो मैं केटू की चोटी पे जाके भी शूट कर लूँगा वो तो था जब वो डायरेक्टर में प्रोड्यूसर थी अब एक्टिंग में जब मैंने उनके साथ पहला काम किया तो उसके बाद से जब वो पहला सीरियल ख़त्म भी नहीं होता था तो वो अपने एडी को कहते थे आपस से डेट्स ले लो ओके। मैंने पूछना किस चीज़ की कहते हैं किसी भी चीज़ की कोई तो सीरियल करूँगा मैं

फिर लगा लिया दो चार चश्मे साथ रख लिए हाँ। बैठी रिसाला पढ़ती रहती है चश्मा हाँ। करके आँख करके इतनी नेगेटिव तो... क्यों है वो दादी अभी भी सबक नहीं सीख रही छोटे वाले बेटे इसको फिर भी गले से लगाया हुआ है हाँ तो इतना वा... कुछ हो गया है दादियाँ तो मैंने कहा ना हाँ। खातिन तो है ही नेगेटिव आपको लगा नहीं नेगेटिविटी ज़्यादा है उस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा एक नॉच कम हो सकती थी नहीं नहीं आगे हम देखेंगे कुछ कैरेक्टर में देखो ना फिर ड्रामा फिर क्यों देखोगी तो उम्मीद <laughs> जब तो यहाँ पे चीज होती है तभी तो फर्क पता चलता है इतनेटिव होगी तो सारी स्टोरी चलेगी अगर दादी इतनी नेगेटिव नहीं होगी तो फिर तो क्या है कुछ भी नहीं है उस ड्रामा बाकी चीजें नहीं प्रोफेल हो रही कुछ भी नहीं होगा उसकी बहू अगर दादी नेगेटिव नहीं है तो बहू भी नॉर्मल है बेटा भी नॉर्मल होगा बेटे को वो सिखाती पढ़ाती रहती है बेटा दरअसल माँ के कहने पे जुल्म करता है, है ना तो फिर जब बेटा ऐसा है बहू को मारता है फलाना तो बहू की चीजें फिर बच्चों में जाएंगी तो वो तो नेगेटिविटी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे कैसे चलेगा

ये जो बातें होती हैं ना राबिया, ये मेरा ख़्याल जिंदगी के लिए ही होती हैं तो अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं हम पॉजिटिविटी ले आए अपनी ज़िंदगी में ना तो मैं समझती हूँ आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं सही कह रही हैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आ, मैं जब सवाल पूछ भी रही होती हूँ और पूछ भी रही हूँ आपसे तो उसका मकसद यही होता है कि जब आप एक जीती जागती एग्ज़ाम्पल अपने सामने देखते हैं ना सिर्फ अल्फाज नहीं जो कहीं बुक पे या किसी नावल में या किसी तो क्या नहीं फिर लेकिन जब वो जीती जाती ज़िंदगी आपको अपने अल्फाज बता रही होती है अपने एक्सपीरियंसेस तो आपको फिर ख्याल आता है कि हाँ यार अगर उन्होंने किया है अगर वो कर आ, सकती हैं वो तो फिर उम्मीद है कि जो वो कह रही है वो सच कह रहा है बिल्कुल उसमें कुछ ना कहीं आप भी ट्राई कर सकते हैं तो आ, मेरा मेरा तो यही मकसद इंटरव्यू एक है। है ऐसी खतरनाक चीज़ है मैं समझती हूँ क्योंकि ये कमरे में लिया गया है और ये अब सारी दुनिया देखेगी जहां जहां तक देखेगी मतलब फिर छोड़ देते हैं ना कि लीजिए देखिए अब कौन देख अब कितने लोग देखते हैं तो उसमें से कोई एक भी उठ के अगर आपको कह दे कि ये कितना झूठ बोल रही है तो कितनी बेजती की बात है और हम लोग कहते हैं हम अपनी बेज़ती बर्दाश्त नहीं कर सकते हाँ एक और जाते जाते बात कर अब्बा हमारी ये कहा करते थे कि हम कहते तो बड़े लाउडली हैं कि देखो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये अपनी बेज़ती बर्दा तो वो बेजती ना बर्दाश्त करने के लिए आपको जो करना है वो भी तो करें तो ये बात होती है तो आप आ, और दूसरा दूसरा जुमला ये कि जो सुलूक आप चाहते हैं कि दुनिया आपके साथ करे या मैं जो चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सलूक करो hmm. तो वो मैं दूसरे के साथ करूँगी तो वो सलूक अपने साथ होगा ना yeah. अपने आप को हम और दूसरे को तू कह के हम बहुत खुश होते हैं सही कह रही हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या रोल है हम बस एक्सपेक्टेशंस yeah. रखते हैं दैट इज आल्सो वेरी डीप सेंटेंस अपने आप को हम दूसरे को तू तू तुम भी नहीं तुम भी कह ले तो बड़ी बात है तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया बहुत के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया राबिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे इंटरव्यू करना कोई मजाक थोड़ी किसी को इंटरव्यू करना तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नहीं थैंक यू सो मच एंड टू तीन नए प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है और इसके अलावा भी चल रहे हैं कुछ एक आशिफ निसार का है प्रोजेक्ट और एक दो और आप बता सकती हैं इस वक्त या नहीं हाँ एक है अम्मा जी वो टाइटली ये है वो हसन आ, क्या आ, हसन अस्करी साहब थे उनके बेटे हैं आदिल असकरी, okay. है बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है okay. आई विश के वो बहुत अच्छा शूट हो रहा है जब गुला जी खुद कह रही हैं कि बहुत अच्छा शूट हो रहा है तो अच्छा ही होगा और थर्ड कौन सा प्रोजेक्ट है आ, उसका नाम क्या है ये नहीं मुझे पता क्योंकि वो भी बहुत अच्छा अशर है okay. हाँ, तो उसमें भी एक मुखलिफ सी अब ये बात है अल्लाह का शुक्र है कि अब जो कैरेक्टर आते हैं वो आम से नहीं आते उसमें तारीफ करने के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है दो साल तक तो मैं यकीन करो कि कुछ लोग सोचते हो शायद के मैं एग्जिजरेट कर रही हूँ बनावट कर रही हूँ मैं दो साल तक अपने को एक्टर से पूछती रही कि आया मुझे एक्टिंग करनी चाहिए आ, मैं मैं किसी की जगह तो नहीं ले रही या मैं वक्त तो नहीं ज़ाया कर रही तो उसके बाद जब लोगों से इतनी मोहब्बत मिली तो फिर अब बनावट भी नहीं करनी चाहिए कि नहीं अब वो इतनी मोहब्बत करते हैं तो शुक्र है अल्लाह का <laughs> बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है इसीलिए हम भी आज बैठे हुए आपसे बात करने बड़े बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके और कब से सोचा हुआ था बट वो नहीं हो पा रहा था सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह ताला आपको आपके सारे प्रोजेक्ट में बहुत कामयाब थैंक यू राब्या